खेसारी लाल यादव और प्रदीप पांडे चिंटू की ये लड़ाई बद से बदतर होती जा रही है। अब खेसारी लाल यादव फिर से लाइव आए और खेसारी लाल यादव ने यहाँ कुछ ऐसे खुलासे किए जो कि काफी चौंका देने वाले थे। यहाँ खेसारी जिम में थे और वहीं से वो अपने फेसबुक पर लाइव भी आए थे। आपको बता दें, खेसारी लाल यादव ने यहाँ प्रदीप पांडे चिंटू और राजकुमार पांडे का नाम लिए बगैर उन पर कई संगीन आरोप लगाए। उनका इशारा सीधे सीधे ये बता रहा था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब भी वो अपने इस वीडियो में बड़े का जिक्र करते तो वो राजकुमार पांडे और छोटे का जिक्र करते तो वो प्रदीप पांडे चिंटू होते। यहाँ आपको बता दें कि एक जगह खेसारी लाल यादव कहते हैं कि छोटे वाले कह रहे हैं कि वो उनको, मैं जहाँ भी मिल गया वो मुझे पकड़ कर मारेंगे। इस पर रिप्लाई खेसारी लाल यादव कहते हैं वो प्रदीप पांडे चिंटू को पकड़ भी लेंगे, उन्हें उनके पंजे से छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खेसारी लाल यादव ये कह रहे हैं कि मुझसे सभी प्यार करते हैं लेकिन इंडस्ट्री में इन्हीं लोगों को मैं सबसे ज्यादा खटकता हूँ। यहाँ खेसारी ये कह रहे हैं कि उनकी फिल्म कूली नंबर वन जो कि इस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट मूवी है और इसका प्रमाण उनके डिस्ट्रीब्यूटर से लेके उनके प्रोड्यूसर और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट तक दे चुकी है, उसे मिलकर ये लोग झुटला रहे हैं। यहाँ खेसारी ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि ये लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं, लोगों से खेसारी को गाली दिलवा रहे हैं जिससे कि खेसारी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खेसारी का यहाँ साफ साफ कहना है कि अगर उनकी जनता उनके साथ है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनके बारे में क्या कह रहा है। खेसारी ने ये भी कहा कि इस साल प्रदीप पांडे चिंटू की जितनी भी फिल्म आई है वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है। इस बात पर खेसारी ये भी कहते नजर आ रहे हैं, क्या उनकी फिल्में फ्लॉप नहीं हुई है? हुई है, लेकिन इस कदर किसी के ऊपर तोहमत उन्होंने कभी नहीं लगाई। यहाँ खेसारी ये भी कहते नजर आए कि अब खेसारी लाल अच्छी फिल्में करना चाहते हैं। 7 साल में उन्होंने 70 मूवी की है लेकिन अब जो करना चाहते हैं वो क्वालिटी का काम करना चाहते हैं। अब उन्हें पैसे की कोई जरूरत नहीं है, अब वो भोजपुरी के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं। खैर, चाहे जो भी हो, लेकिन अब ये लगता है कि प्रदीप पांडे चिंटू और खेसारी लाल यादव की ये लड़ाई काफी दिनों तक चलने वाली है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए इन दोनों अगर ये समझौता कर ले कि ये दोनों अपना अपना काम करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर अब भोजपुरी इंडस्ट्री उभर रही है तो कलाकारों को भी चाहिए कि वो अपने अच्छे अच्छे कामों से, अच्छे अच्छे बिहेवियर से इसे और ऊंचाई तक लेके जाए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।